देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। और आज असेंबली इलेक्शन 2024 अगर श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो कांग्रेस की जो रोड रैली है वो दोमेल से शुरू हुई और इस समय सूल धीरथी में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बाइकर्स का काफिला है और इनके पीछे गाड़ियों का काफिला है और सोहन चंद यहाँ पर लीड करते हुए इनसे यहाँ बात करते हैं। सोहन जी, आज कहाँ कहाँ से रैली निकल रही है और मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि कटरा ब्लॉक और पैंथल ब्लॉक को हर पंचायत में कवर कर दिया जाए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि के किशोरी लाल शर्मा जी जो अमेठी के सांसद हैं, जिन्होंने स्मृति रानी को से विजयी प्राप्त की है, वो आए हैं। उनको हम अपना इलाके की तकलीफें परेशानियां जो हैं, जो बीजेपी के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हमने बड़ा विकास किया है, तो इसलिए हमने पहली पंचायत से शुरू किया। सारी पंचायतें इनको दिखाएंगे और इनका विकास दिखाएंगे और हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस इस समय किस स्थिति में है? अगर मैं श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, एनसी कांग्रेस का अलायंस किस स्थिति पर यहां पर है? हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो है वो मेहनत की हमें लगता है कि मेहनत की कमाई हम करके दिखाएंगे। और कांग्रेस एनसी का जो गठबंधन है, ये विजयी बनाएगा भूपिंदर सिंह राजा को और श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे साथ यहाँ श्री माता वैष्णो देवी के कांग्रेस एनसी अलायंस के कैंडिडेट भूपिंदर सिंह जमाल भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, काफी विशाल रैली आज निकल रही है, क्या कहेंगे, क्या स्थिति इस समय कांग्रेस और एनसी अलायंस की श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? देखिए, यहाँ पे क्या स्थिति है अभी तो मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा आपसे, लेकिन आज हमारी रैली है। हमारे नेता आए हैं केएल शर्मा साहब, जो लोकसभा के सदस्य हैं, जिन्होंने स्मृति रानी जी को हराया है अमेठी में, आज वो आए हैं। और यूथ चाहता था कि हम उनको एक अच्छी रिसेप्शन दें और एक रैली निकालें, उनका रोड शो निकालें, यही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी हमें सुन रहे हैं वैष्णो देवी असेंबली के, चाहे कटरा के हैं, शेरबड़, गार, कोटली, सिंबल चौक, पनासा, वो सारे इनको सुनने बब्बर में ज़रूर आएँ। ये रैली हम वहाँ पर ख़त्म करेंगे। और रही बात क्या चल रहा है, आप खुद देख लें, हजारों यूथ हमारे साथ निकला है। आज यूथ चाहता है जो सरकार चिट्टा बेचे वो सरकार बदलनी है, जो सरकार जमीनें छीने वो सरकार बदलनी है, जो सरकार स्कूल बंद करे वो सरकार बदलनी है, जिस सरकार ने 10 साल से एक टीचर नहीं रखा वो सरकार बदलनी है, जिस सरकार ने लोगों की जेब काटी स्मार्ट मीटर के नाम पे वो सरकार बदलनी है। काफी मुद्दे हैं, गंडोला है, और भी बड़े मुद्दे हैं, जो बारीदारों के साथ झूठ बोला है, और भी हमारे लोगों को ठगा है, ये सारी चीजें जो हैं आज यूथ बदला ले रहा है, सड़कों पे लिखना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप दिखाएं, और आगे भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप जरूर आएंगे बब्बर में, मेरी आपसे ये बिल्कुल। भूपिंदर जी, 19 तारीख को मोदी जी कटरा आ रहे हैं और कल बारीदारों की मीटिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं, जो पीएमओ में है, उनके साथ हुई है, क्या क्या आस लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वोट शेयर है बारीदारों का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कल जो मीटिंग हुई है और उसके बाद अब मोदी जी 19 तारीख को कटरा में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी परेशानी कांग्रेस और एनसी के अलायंस के लिए यहां बन सकती है? उनकी देखें, एजेंसियां उनके पास हैं, उनको एजेंसी वालों ने दी होगी रिपोर्ट कि आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है, तो शायद इसीलिए आ रहे हैं, वो आ जाए, कोई बात नहीं है। यहां पे यूथ मन बना चुका है, अब यहां पे कोई झूठ नहीं चलेगा। जो यहां पे आपने बाहर के लोगों को जाप दी है श्राइन बोर्ड में, वो लोग देख चुके हैं आपकी करनी और करनी में कितना अंतर है। ये झूठ की जो ये जो झूठे वादे, झूठे मैनिफेस्टो यहां वैष्णो देवी असेंबली में नहीं चलेंगे। आप देखिएगा 25 तारीख को लोग इनकी बुरी हालत करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। इन्होंने पहले भी बारीदारों से धोखा किया था, झूठ बोला था, मोदी जी खुद बारीदारों के बारे में बोल चुके हैं आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, कि बारीदारों को उनका हक मिलेगा। लेकिन मैं भी अनिल शर्मा एक बारीदार होने के नाते अपने बारीदार भाइयों को अपील करता हूं कि इन लोगों के यासे में ना आए। एक डेलीगेशन कल जतिंदर सिंह जी से जम्मू जाके मिला, इन्होंने बोला हम अपने मैनिफेस्टो में बारीदारों का मुद्दा आपका रखा है, लेकिन 25 सूत्रीय जो
मैनिफेस्टो इनका था जो हमारे अमित शाह जी ने यहाँ पे शो किया था, उसमें बाहरी इदारों का कोई नामो निशान नहीं है। और बाहरी इदारों से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि इनके जासे में मत आइए। हम आपसे वायदा करते हैं, जब हमारा कैंडिडेट जहाँ से जीत कर जाएगा और बाहरी इदारों का एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा और बाहरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिरी सवाल, कोई लीडर जम्मू असेंबली में बैठूं दे? भूपेंद्र जी आखिरी सवाल, बाबू जी ने बारीदारों की बात की है लेकिन बारीदारों की तरफ से भी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है और उनको कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा सपोर्ट बारीदारों की मिल रही है, आपको लगता है कि बारीदार आपको मिल रही है? लेकिन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीजेपी का कोई लीडर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अब दिल्ली वालों का झूठ नहीं चलेगा। तो आपने सुना बारीदारों के सवाल को, तो भूपेंद्र सिंह जम्वाल टाल गए, उन्होंने कहा वो भी हमारे भाई हैं और सीधे वो बीजेपी और बलदेव राज शर्मा की यहाँ बात करें। उनका साफ कहना है कि अब दिल्ली वालों का जो रूल है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। इनका सीधा निशाना केंद्र में बैठी भाजपा और उनके कैंडिडेट जो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के खड़े हैं उनके खिलाफ था।